पिछले 9 वर्षों में देश ने विकास के नित नए रिकॉर्ड बनाए हैं। पिछले 9 वर्षों में देश ने लगातार वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊर्जावान नेतृत्व में जिस स्पीड और स्केल के साथ इन 9 वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, उसने विकसित भारत की मजबूत आधारशिला रखी है। देश की लाइफलाइन भारतीय रेल का भी कायाकल्प हुआ है और जन जन की रेल अधिक तेज, आधुनिक, स्वच्छ, सुविधाजनक और सुरक्षित बनी है। राजस्थान सहित देश भर में आज रेल की बदलती तस्वीर आगे बढ़ते भारत का ही अभिनव प्रतिबिंब है। रेलवे लाइनों के साथ साथ राजस्थान के रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। रेलवे में गेज परिवर्तन और दोहरीकरण के जो काम बीते वर्षों में हुए हैं, उनका बहुत बड़ा लाभ राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों को हुआ। राजस्थान के पर्यटन और सामरिक महत्व को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेशवासियों को रेलवे की लगातार महत्वपूर्ण सौगातें दी हैं। इन्हीं प्रयासों को जारी रखते हुए आज लगभग 1500 करोड़ रुपए लागत की 3 रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। भगवान श्रीनाथ जी के दर्शनों के लिए प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु नाथ द्वारा आते हैं। श्रद्धालुओं को बेहतर रेल साधन मिले, इसके लिए मावली नाथ द्वारा से मारवाड़ की ओर जाने वाली रेल लाइन का देवगढ़ मदारिया से परिवर्तित लाइन तक 83 किलोमीटर रेल लाइन का गेज परिवर्तन किया जा रहा है। इस क्षेत्र की नैसर्गिक सुंदरता को देखते हुए और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देवगढ़ से मारवाड़ जंक्शन रेल खंड को मीटर गेज के रूप में ही हेरिटेज स्वरूप में रखा जाएगा। इसके साथ ही नाथद्वारा से नाथद्वारा टाउन तक लगभग 10 किलोमीटर की नई रेल लाइन के निर्माण से श्री नाथ जी मंदिर आने वाले भक्तों को आसानी होगी और इस क्षेत्र का उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और अजमेर के लिए सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा तथा क्षेत्र के विकास के साथ साथ रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे स्टेशनों को अत्याधुनिक बनाने के विजन के तहत राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थल उदयपुर में उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट की आधारशिला रख रहे हैं। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए 354 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यहां 72 मीटर चौड़ाई का विशाल एयर कॉन्कोर्स होगा, जिसमें फूड कोर्ट, कैफेटेरिया, शॉपिंग मॉल, वेटिंग और प्ले एरिया जैसी सुविधाएं होगी। लिफ्ट, एस्केलेटर, दिव्यांग जन अनुकूल सुविधाएं, सीसीटीवी कैमरे, भूमिगत पार्किंग और स्काई वॉक आदि यात्रियों की सहूलियत बढ़ाएंगे। भारत सरकार की इन सभी अत्याधुनिक परियोजनाओं से राजस्थान विकास और उज्जवल भविष्य की ओर तेजी से अग्रसर होगा और देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएगा।